हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश मंडल। में बात करने वाला नेक्स्ट जनरेशन होंडा सीआरवी के बारे में, जो कि अपने ऑफिशियल लॉन्च डेट से पहले चाइना के अंदर जो है वो लीक हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ कि जो 2023 होंडा सीआरवी है फ्रेंड्स, के अंदर हमें किस तरह के चेंजेस या फिर जो अपडेट्स है हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं जो 2023 होंडा एचआरवी है फ्रेंड्स, का फ्रंट एंड जो रियर प्रोफाइल वही लीक आउट हुआ है। साइड प्रोफाइल एंड जो इंटीरियर डिटेल्स है वो फिलहाल अभी नहीं हुई है। एंड अब मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, के अंदर में एक्सटीरियर के किस तरह के चेंजेस या फिर जो अपडेट्स है हमें देखने को मिलेंगे। होंडा सीआरवी है फ्रेंड्स, के अंदर हमें जो ओवरऑल सिलाउट देखने को मिलते हैं, जो कि हमें सेमी देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। के फ्रंट में हमें क्रोम स्ट्रिप एंड होंडा की जो ओल्ड जनरेशन एचआरवी में हमें डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, वही सेम हमें इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हमें जो फ्रंट ग्रिल है जो कि हमें और भी लार्जर, एंड इसके अंदर हमें होंडा का लोगो जो कि हमें इसके सेंटर में देखने को मिलेगा। एंड जो हेडलाइट सेटअप है जो कि हमें ऑलमोस्ट ओल्ड होंडा सीआरवी जैसा ही जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड जो न्यू सीआरवी है फ्रेंड, ये हमें रगेड लुक के साथ हमें काफ़ी सारे सेंसर्स एंड कैमरास के साथ भी जो है हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमें इसके बॉडी पे एंड इसके अंदर हमें वेरियस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं रियर प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके रियर में हमें टेल लाइट के साथ हमें स्लीकर लुक देखने को मिलेगा। एंड इसका रियर जो है वो हमें एग्जिस्टिंग सीआरवी से हमें सिमिलरली देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, इसके अंदर में टोटल 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर में 5 सीटर वेरिएंट जो कि हमें ऑल व्हील ड्राइव के साथ एंड 7 सीटर वेरिएंट जो कि हमें फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। पावर ट्रेन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर में होंडा का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो कि हमें 190 एचपी के पावर के साथ एंड इसके अंदर हमें सीवीटी ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। एंड जो होंडा सीआरवी है फ्रेंड, में हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन के अंदर भी जो है हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इसकी इन्फॉर्मेशन जो है रिवील नहीं हुई है। एंड इसका जो 7 सीटर वेरिएंट है फ्रेंड, इसके अंदर में 17 इंच के व्हील्स एंड इसका जो टॉप एंड मॉडल जो कि हमें बिगर 18 इंचेस के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल तो उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है रिवील होती है फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आप लोग नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए ऑटोमोटिव वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।